नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिर्विद शैलेंद्र जायसवाल जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। चलिए, समय ना गवाते हुए आज का विषय अब शुरू करते हैं। तो शैलेंद्र जी, आज क्या जानकारी आप दर्शकों को देने वाले हैं? बिल्कुल, आज जिस विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो तीन चार चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं शनि ग्रह के घरेलू उपाय बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति शनि ग्रह से पीड़ित है तो मैं उसके लिए उस पर्टिकुलर समय में वो क्या क्या घरेलू उपाय कर सकता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि बहुत से लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि हम लोग कॉल मिला रहे हैं, कॉल, कोई बात नहीं, आप कॉल ज़रूर मिलाएं, मेरी बात आपसे ज़रूर होगी, होनी भी चाहिए और आपको आपकी समस्या का समाधान भी ज़रूर मिलेगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति शनि ग्रह से परेशान हो तो उसे उस पीरियड में, जिस पीरियड में वो परेशान है, तो सबसे पहले उसे नीले रंग के कपड़े का सेवन शुरू कर देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, शनिवार के दिन अपंग, नेत्रहीन, कुष्ठ रोगी या अत्यंत वृद्ध या कोई व्यक्ति जो लंगड़ा हो, जिसके पैर में कोई विकार हो, अगर इन लोगों को आप खाने की सामग्री या उनकी सेवा करते हैं तो शनि देव आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। याद रखिए, पीपल या सम्मी के पेड़ के पास, उसके नीचे अगर आप शनिवार में संध्या काल में तिल का दीपक जलाते हैं तो शनि से आपको बहुत राहत मिलेगी। देखिए, बहुत आसान आसान से घरेलू उपाय हैं, नोट कर लीजिए, कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप ही ज्योतिषी बन गए। और इस विषय के अलावा अगर आपकी जिंदगी में और कोई भी परेशानियां हैं तो जब नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हुए हैं, इन नंबर्स पर आप हमें प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल समय की कमी है, हम इस प्रोग्राम को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और इसी के साथ शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और हमेशा की तरह नई जानकारियां हमें दी। लेकिन यहाँ पर विदा लेने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि अगले एपिसोड में हम एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर होंगे ज्योतिष से जुड़ी हुई और नई नई और बेहद रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।